हाय गाइस, माय नेम इज राशि शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फ्लिपकार्ट टॉप हॉल। मैंने फ्लिपकार्ट से काफी रीजनेबल प्राइस में टॉप परचेज करी है और अभी आपको पता ही है फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा पे काफी अच्छी सेल चल रही है। 50-90% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो अभी बेस्ट टाइम है कुछ भी परचेज करने के लिए, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 5 टॉप परचेज करी है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे दिएगा बेल को प्रेस करना ना बोले। थैंक यू। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे मैंने टॉप परचेज करी है वो येलो एकदम बेसिक टॉप परचेज करी है, बट ये बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, ये वन शोल्डर टॉप है। तो उसको वेयर कुछ इस टाइप से किया जाएगा, इस तरह से वन शोल्डर है। ये मैंने मीडियम साइज में परचेज करी है और काफी रीजनेबल प्राइस में सारी टॉप मैंने परचेज करी है। तो इसका जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्रॉप टॉप है, मतलब ज़्यादा यहाँ तक आपको नहीं आएगी, थोड़ा नीचे ही आएगी, बट काफ़ी हाई वेस्टेड जीन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी जो ऑफ शोल्डर है तो काफ़ी अच्छा कवरेज दे रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा रिवीलिंग नहीं लगेगा। मतलब थोड़ा सा है, वन शोल्डर है, एक शोल्डर नहीं है, बट बहुत ज़्यादा प्रिटी टॉप है, कम्फर्टेबल है पहनने में और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक निकल कर आएगा ये टॉप वेयर करने के बाद, क्योंकि मैं इसे ट्राई कर चुकी हूँ पर्सनली, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसीलिए ये वाली टॉप मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इस टाइप का यूं करके दिया गया है, लेकिन ये स्ट्रेच नहीं होता है, ये ऐसी इस तरह की सिलाई करी गई है ताकि इस टाइप का पैटर्न बने, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मे बी 4-5 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। साइड में इमेज लगी होगी, प्राइस आपको पता चल जाएगा, सेल में अभी कितना चल रहा है, ट्राई ऑन हॉल भी चलेगा तो वहाँ पर आप देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। देन मैंने ये ऑरेंज कलर की टॉप परचेज करी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो सबसे ज़्यादा अच्छा इसका ये वाला जो स्टाइल है, फ्रंट से थोड़ा आगे तक इस तरह का कॉर्सेट स्टाइल में है, सही में इसका स्टाइल कॉर्सेट है। पीछे से लेंथ इसका कम है लेकिन आगे से इस तरह से ज़्यादा है, तो ये कॉर्सेट स्टाइल में है। और पर्सनली इस तरह की टॉप अगर आप अर्बेनिक या फिर कोई ज़ारा H&M से लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट फ्लिपकार्ट बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। स्लीवलेस है, अगर आपको ऑफ शोल्डर पहनना है तो आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, अगर आपको स्लीवलेस पहनना है तो आप इसे इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। साइड में बॉडी टेप जो आता है, जो कपड़ों को ऐसे कंफर्टेबल करने के लिए लगाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी टॉप के नीचे प्रोवाइड करूंगी ताकि अगर आपको परचेज करना हो तो आप परचेज कर लें। बाकी टॉप की ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा आपको वीडियो में अभी थोड़ा डिफरेंट कलर लग रहा होगा, बट ये प्योर ऑरेंज कलर है, बहुत ज़्यादा पॉपअप कलर आ रहा है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है टॉप की और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई। अभी आई थिंक आपको 2-3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बट टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि आप इस तरह से वेयर कर सकते हैं, इस तरह से वेयर कर सकते हैं, आप जैसे चाहे इसे स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी तरह से इसे स्टाइल किया जा सकता है। और जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मैंने इसे मीडियम साइज में परचेज किया है, बाकी आप स्मॉल XL, XXL में भी परचेज कर सकते हैं, बट मीडियम साइज और स्मॉल साइज मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लार्ज और साइज में जो इसका ये स्टाइल है वो इतना अच्छे से फिट नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आ भी सकता है तो आप परचेज करके देख लेना। देन मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर की टॉप परचेज करी है, जो कि आप मेरी पहली लॉन्ग वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने पहन रखी थी। तो ये कुछ इस टाइप की टॉप है, शॉर्ट टॉप है, शॉर्ट क्रॉप टॉप है। नीचे से यहाँ पे ये टाई करने के लिए दिया गया है, तो नीचे से आप इसे टाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी क्रॉप है, ये वेस्ट के साथ भी आपका जो मतलब कमर है वो नज़र आएगी। बाकी इसकी स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, पफी सी स्लीव्स है, यहाँ अंदर एक कपड़ा लगा हुआ है जो थोड़ा सा आपको चुभेगा, लेकिन ये जो हेल्प करेगा आपकी स्लीव्स को इस तरह से पफी बनाने में। बाकी मुझे तो ये कपड़ा फील हो रहा था, चुभ रहा था थोड़ा सा, ये नेट वाला है, इस तरह टाइप का नेट का कपड़ा है, बट ये चुभता है, बट काफ़ी अच्छा सा पफ देता है स्लीव्स में। और स्लीव्स पे इस तरह का ये स्ट्रेचेबल सा लगा हुआ है जो कि बहुत बेकार लग रहा है,
मुझे पसंद नहीं आया। और ये टॉप अच्छी है, कलर इसका अच्छा लग रहा है, प्रिंट भी बहुत प्रिटी है, क्यूट सी टॉप है, लेकिन ये क्रॉप थोड़ी ज़्यादा ही है और जो इसका स्लीव्स के अंदर का कपड़ा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। बाकी ओवरऑल टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने मीडियम साइज़ में परचेज करी है। फ्रंट के साइड में इस तरह की 3 बटन्स दी गई हैं जिसे आप बंद करके पूरा ऊपर तक गला का पहन सकते हैं। तो इसका प्रिंट कुछ इस टाइप का है। वैसे टॉप बहुत क्यूट है। ये मैंने यहाँ पे सोचा था कुछ इस तरह की ब्रा स्टाइल में जो आजकल टॉप की तरह वेयर कर सकते हैं, डेनिम वाली जैकेट्स के साथ, या फिर अंदर से थोड़ा सा मतलब अच्छा सा वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कुछ मंगवाए थे। तो इसमें मुझे 2 पैकेट रिसीव हुए हैं, बल्कि मैंने 1 मंगवाया था। क्वांटिटी भी मैंने 2 नहीं डाल रखी, इसमें ऑलरेडी 2 ही हुए हैं। सेम कलर है दोनों का। तो ये कुछ इस तरह की ब्रा स्टाइल में है, पैडेड है, बट ये जो आई थिंक इसको बोलते हैं लेस स्टाइल में है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और इसे आप टॉप की तरह भी वेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी वेयर कर सकते हैं। तो ये लेस स्टाइल में अंदर टॉप हो जाएगी। आप इसे नॉर्मली ऐसे भी पहन सकते हैं, लेस वाली टॉप की तरह आप इसे वेयर कर सकते हैं। इसमें पैड लगे हुए हैं, इसीलिए मैं इसे ब्रा बोल रही हूँ, और यहाँ पर भी ब्रा ही लिखा हुआ है। बट मुझे लगता है इस टाइप की टॉप्स को आराम से टॉप की तरह भी वेयर कर जा सकता है। अंदर पहनने के लिए तो मुझे नहीं लगता कंफर्टेबल है, ब्रा है ये, क्योंकि इसका जो नीचे का ये वाला पार्ट है ये लेस में दे रखा है, ये फुल है। तो आप टॉप की तरह इजीली इसे वेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे पड़ा। अभी सेल में और सस्ता मिल रहा होगा ये, क्योंकि मैंने थोड़े से पहले परचेज़ किया था। मैं सोच रही थी दिखाऊं ना दिखाऊं, बट मैंने दिखा दिया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, ओके सी क्वालिटी है। 1 to 100 में आपको क्या ही मिलेगा अगर दोनों के हिसाब से देखें। यहाँ पे होल दे रखा है जिससे आप ये पैड रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की टॉप है। अब जो यहाँ पे मैंने लास्ट टॉप परचेज करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की हॉल्टर नेक वाली टॉप है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगी, और जो इसका ये वाला मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये समथिंग रेड, गाजर रेड, या पता नहीं कौन सा कलर इसे बोलेंगे, या शायद पीच कलर इसे बोलेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो मुझे इसमें एक बात अच्छी नहीं लगी, वो है इसकी स्लीव्स। जो स्लीव्स हैं ये यहाँ तक आ रही है, तो अंदर जो भी आप पहनेंगे वो बहुत ही ईजिली नज़र आएगा। तो अगर आप ये आपको टॉप अच्छी लग रही है तो आप अंदर पहनने के लिए कुछ परचेज़ कर सकते हैं। वाइट पहन सकते हैं, ब्लैक भी पहन सकते हैं। बाकी टॉप बहुत रीजनेबल प्राइस में मैंने परचेज़ करी है। एक और मैंने ब्लैक कलर की टॉप ऑर्डर करी थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो इसलिए वो टॉप कैंसिल हो गई। बट वो भी काफ़ी अच्छी थी, 1 स्लीव्स की थी। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे फ्रो ऐसे अच्छा सा फ्लावर का डिज़ाइन दे रखा था। तो लास्ट टॉप मैंने फ्लिपकार्ट से यही वाली परचेज करी थी, सिंपल सी टॉप है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।